स्टूडेंट वी आर गोइंग टू स्टडी लेसन 9 एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। सो व्हाट इज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर? आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी विल एबल टू डिफाइन रिप्रोडक्शन, लिस्ट एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, लिस्ट एनिमल्स that lay eggs, describe life cycle of hen, frog, fish and butterfly. Okay, so after this chapter we will able to define reproduction. हम reproduction को बता पाएंगे. Okay, उन animals के name बता पाएंगे जो young ones को birth करते हैं. ठीक, जो यंग वंस को जन्म देते हैं. ठीक है, उन एनिमल्स के नेम बता पाएंगे जो एग्स को ले करते हैं. ठीक है, इन लेग एनिमल्स के बारे में बता पाएंगे आप. एंड हैन, फ्रॉग, फिश, बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल को आप डिस्क्राइब कर पाएंगे. ओके, तो आइए स्टडी करते हैं इस चैप्टर को. All living things live for some years. सभी जो जीवित प्राणी हैं वो क्या करते हैं, ये चीज़ें हैं, कुछ यानी some years के लिए रहते हैं. ठीक है, they grow, become old and finally die. वो ग्रो करते हैं, देन क्या हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं एंड लास्टली क्या होता है, वो डाई हो जाते हैं, मीन्स मर जाते हैं. टू कंटिन्यू द लाइफ ऑन द अर्थ ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस यंग वंस ऑन देयर ओन काइंड. ठीक, इस अर्थ पे लाइफ को चलते रहने के लिए सभी जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने जैसे यंग वंस को रिप्रोड्यूस करती हैं. ठीक है, द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. वो प्रोसेस जिसके थ्रू एनिमल्स जो है अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करती हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. ओके, वो प्रोसेस जिसके थ्रू एनिमल्स क्या करते हैं, अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. ओके, एनिमल्स कैन प्रोड्यूस इन टू वेज. जो एनिमल्स होते हैं वो टू वेज में, यानी दो तरीके से एनिमल्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी अपने जैसे जो है यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं. फर्स्ट प्रोसेस है बाय डायरेक्टली गिविंग बर्थ टू यंग वंस. फर्स्ट प्रोसेस में वो क्या करते हैं कि वो अपने जैसे यंग वंस को बर्थ करते हैं, मीन्स अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं. ठीक है, सेकेंड प्रोसेस में है कि बाय लेइंग एग्स, मतलब वो अंडे देकर यंग वंस बनाते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है, बाय लेइंग एग्स में आउट ऑफ विच अ बेबी हैचेस आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स अंडे ले करने के कुछ समय के बाद उसमें से बेबी बाहर आता है. ठीक है, आपकी फर्स्ट रीडिंग है एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस. तो हम उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो अपने जैसे यंग वंस को बर्थ करते हैं, मीन्स पैदा करते हैं या जन्म देते हैं. ठीक है, तो एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस एंड फीड देम विथ their own milk are called mammals. ऐसे animals जो अपने जैसे young ones को birth करते हैं, means जन्म देते हैं अपने जैसे animals को, and feed them their own milk, और अपने milk के through उनको feed कराते हैं, means अपने जैसे बच्चों को अपना मिल्क फीड कराते हैं
उनको हम क्या कहते हैं, वी कॉल्ड देम मैमल्स, उनको हम मैमल्स कहते हैं। ठीक, तो ऐसे एनिमल्स जो अपने जैसे बच्चों को बर्थ करते हैं और अपने मिल्क को फीड कराते हैं, ठीक है, ऐसे एनिमल्स को हम मैमल्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, मैमल्स हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स एंड ब्रेन। मैमल्स में क्या होता है, वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन होता है एंड ब्रेन होता है, ठीक है। तो जो मैमल्स होते हैं उनके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं और उनका ब्रेन भी बहुत अच्छे से डेवलप होता है। ओके, मोस्ट ऑफ देम हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, मीन्स जो अधिकतर मैमल्स होते हैं, सभी मैमल्स की बॉडीज़ पे क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, मीन्स उनके जो बॉडी पे बाल पाए जाते हैं, ठीक है। डॉग्स, कैट्स, एलिफेंट्स, काउज एंड ह्यूमन बीइंग्स आर एग्जांपल ऑफ मैमल्स। देखिए, डॉग्स, कैट्स, एलिफेंट, काउज और वी आर द मतलब ह्यूमन बीइंग्स क्या हैं, एग्जांपल हैं मैमल्स के, हम लोग क्या हैं, मैमल्स हैं। ओके, बैट इज ए मैमल दैट कैन फ्लाई। बैट ऐसा मैमल है जो फ्लाई कर सकता है, ठीक है। डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स आर मैमल्स दैट लिव इन वाटर। और डॉल्फिन और व्हेल्स ऐसे मैमल्स हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, ठीक है। केयर फॉर यंग वंस, अभी मैमल्स अपने बच्चों की केयर कैसे करते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं। इन मैमल्स बेबीज आर फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर, ठीक है। मैमल्स में क्या होता है, जो बेबीज होते हैं वो मदर्स के बॉडी में ग्रो करते हैं, मीन्स फॉर्म्ड होते हैं, ठीक। दे स्टे इनसाइड द सेवरल वीक्स एंड दे आर बॉर्न। और कई वीक्स में वो क्या करते हैं, कई वीक्स वो वहाँ स्टे करते हैं और इसके बाद बॉर्न हो जाते हैं, मीन्स उनका जन्म हो जाता है। व्हेन द बेबीज आर बॉर्न दे आर वीक एंड हेल्पलेस। जब बेबीज जो हैं बॉर्न होते हैं, मीन्स जब उनका जन्म होता है, तब उस समय वो वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, हेल्पलेस होते हैं, मीन्स बिना मदद के वो काम नहीं करते, ठीक है, वे हेल्पलेस होते हैं एकदम। मदर्स केयर फॉर देयर बेबीज, और जो उनकी मदर्स होती हैं वो उनका केयर करती हैं, ठीक है, इसका बेबीज का। दे क्लीन देम, वो उनको साफ करती हैं। टीच देम टू फाइंड फूड, और जो है फूड को फाइंड करने में या फूड को कैसे प्राप्त किया जाए, यानी फाइंड किया जाए, ढूंढा जाए, वो उनको सिखाती हैं। टू लिव ऑन देयर ओन, अपने आप से कैसे रहा जाए। एंड प्रोटेक्ट देम टिल दे लर्न टू लुक आफ्टर देमसेल्फ, और उनको या उनकी वो प्रोटेक्शन करती हैं, किसकी, बेबीज़ की। टिल दे लर्न टू लुक आफ्टर देमसेल्फ, जब तक कि वो अपने आप से अपनी देखभाल करना सीख नहीं जाते, ठीक है। तो जो मदर्स होती हैं बेबीज़ की, वो उनको सिखाती हैं कि कैसे क्लीन रहना चाहिए, या उनको क्लीन भी रखती हैं। टीच देम टू फाइंड फूड, और भोजन को यानी फूड को ढूंढने में उनको मदद करती हैं और उनको सिखाती भी हैं, ठीक है। टू लिव ऑन देयर ओन एंड प्रोटेक्ट देम टिल दे लर्न टू लुक आफ्टर देम सेल्फ, और तब तक उनकी सुरक्षा करती हैं जब तक कि वो सीख नहीं जाते कि अपने आप से कैसे रहा जाए, ठीक है। दे फीड देयर बेबीज विद देयर ओन मिल्क, और अपने मिल्क से उनको फीड कराती हैं, ठीक है, उन बेबीज को अपने मिल्क को पिलाती हैं, ठीक। इन सम मैमल्स फादर्स आल्सो प्रोवाइड हेल्प बाई हंटिंग फूड एंड
गार्डिंग द यंग वंस। कुछ मैमल्स में क्या होता है कि जो फादर्स होते हैं वो भी फूड को हंट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, एंड अपने बच्चों की वो गार्डिंग भी करते हैं, ठीक है, उनकी देखभाल भी करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हो, अ फ्यू मैमल्स ले एग्स इंस्टेड ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस लाइक डक बिल्ड प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंट ईटर। क्या आप जानते हो कि कुछ जो मैमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो यंग वंस को ना बर्थ करके एग्स को ले करते हैं, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स के नेम हैं डक बिल्ड प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंट ईटर। ओके, तो एग लेइंग एनिमल्स हैं डक बिल्ड प्लेटिपस, डक बिल्ड प्लेटी पस एंड सेकेंड वन है स्पाइनी एंड ईटर। ओके, नेक्स्ट है कंगारू कीप्स इट्स न्यूबॉर्न बेबी इन द पाउच ऑन इट्स स्टोमक टिल इट इज एबल टू टेक केयर ऑफ इट्सेल्फ। कंगारूस क्या करते हैं, अपने न्यूबॉर्न बेबी को अपने पाउचेज में रखते हैं। देखिए ये पाउच है ना, इसमें रखते हैं जो कि उनके स्टोमक में होता है, और ये जब तक अपने बच्चे को अपने पाउच में रखते हैं जब तक ये अपने आप से अपनी देखभाल करने के लायक नहीं हो जाते, ठीक है, तब तक ये उनकी देखभाल करते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स। ओके, उनको क्या कहते हैं, मैमल्स करते हैं। अ मैमल दैट कैन फ्लाई, ऐसा मैमल जो फ्लाई करता है, दैट इज बैट। ओके, मोस्ट ऑफ द मैमल्स ब्रीद थ्रू लंग्स। आपको पता ही है कि जितने भी मैमल्स होते हैं वो लंग्स के थ्रू क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। ओके, एनिमल्स दैट ले एग्स। सेवरल एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाई लेइंग एग्स। बर्ड, फिशेज, इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स, स्नैक्स एंड क्रोकोडाइल्स आर सम एनिमल्स दैट ले एग्स। तो सेवरल एनिमल्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं बाई लेइंग एग्स, एग्स को लेकर के, ठीक है। तो बर्ड्स, फिशेज, इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स, स्नैक्स एंड क्रोकोडाइल्स क्या हैं, ये एग्स को लेकर के रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ये एग लेइंग एनिमल्स हैं। फर्स्ट है आपका बर्ड्स। ओके, ऑल बर्ड्स सच एज क्रोज, स्पैरोज, हेंस एंड ईगल्स रिप्रोड्यूस बाई लेइंग एग्स। ओके, क्रोज, स्पैरोज, हेंस एंड ईगल्स ये एग को ले करते हैं, ठीक। द फीमेल बर्ड्स ले एग्स इन नेस्ट, और जो फीमेल बर्ड होती है वो नेस्ट में एग को ले करती है, मीन्स दे गिव देयर या इट्स एग्स इन नेस्ट। ईच एग हैज़ अ हार्ड बट थिन प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग कॉल्ड एक्सेल। ईच एक के पास एक हार्ड कवरिंग होती है जिसको हम लोग एक सेल बोलते हैं, मीन्स सेल कहेंगे जब एक का है तो एक सेल बोलेंगे। ओके, इनसाइड द सेल देयर इज अ वाइट जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड एल्ब्यूमिन। और ईच एग में एक वाइट कलर का जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग कहते हैं
एल्ब्यूमेन, ठीक है, एल्ब्यूमेन कहते हैं। ये क्या होता है? प्रोटीनस होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है। आप ये देख रहे हो वाइट कलर का एल्ब्यूमेन इसके अंदर है, ठीक है, ये प्रोटीन है, ठीक। एंड देयर इज अ येलो सब्सटेंस कॉल्ड योक, इसके अंदर एक सब ये येलो कलर का आप देख रहे हो, इसको बोलेंगे योक, ठीक है, योक। और ये किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है, ठीक है, येलो कलर का, इसीलिए इसको बोलते हैं योक। और ये क्या होता है? फैट इसमें होता है, विटामिन्स होते हैं एंड मिनरल्स होते हैं, मीन्स ये विटामिन रिच होता है, विटामिन रिच, मिनरल्स रिच एंड फैट्स रिच, मीन्स इसमें फैट्स होता है, मिनरल्स होते हैं एंड विटामिन्स होते हैं, ओके। ये देखिए आपके इंटरनल स्ट्रक्चर गिवन है यहाँ पे, ठीक है। आउटर कवरिंग क्या है? सेल है, वाइट कलर का होता है ये, इसके अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है जिसको हम लोग एल्ब्यूमेन बोलते हैं। एंड नेक्स्ट ये येलो कलर का आप सब्सटेंस देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड योक, ओके। नेक्स्ट देखते हैं इसका, योक कंटेन्स फूड फॉर द ग्रोइंग बेबी कॉल्ड एम्ब्रियो इनसाइड द एग, ठीक है। योग क्या करता है? ये जो ग्रोइंग बेबी होता है उसके लिए फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये फूड कंटेन किए रहता है। और जो ग्रोइंग बेबी होता है जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, उसको ये फूड प्रोवाइड करता है, ठीक। द एम्ब्रियो अंडरगोज वेरियस डेवलपमेंटल चेंजेस एंड ग्रोज इनटू अ चिक, और वेरियस डेवलपमेंट चेंजेस के बाद क्या होता है, बहुत से डेवलपमेंट के बाद ये जो एम्ब्रियो होता है चिक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे चिक का एक स्ट्रक्चर, ये लाइफ साइकिल है, एक हैन की लाइफ साइकिल है, ठीक है। इस लाइफ साइकिल में आप देख रहे हो ये एक अडल्ट हैन ने एक को ले किया, ठीक है, ले आफ्टर लेइंग इसने इसको क्या किया, इंक्यूबेशन दिया, मीन्स इसके ऊपर बैठ के उसको वार्म कर रही है, ठीक। एंड वार्म के बाद क्या करेगा, इसमें से जो है हैचिंग होगी और एक चिक निकलेगा, और ये चिक क्या होगा, डेवलप करेगा, और डेवलप के बाद ये एक एडल्ट हैन में कन्वर्ट हो जाएगा या कॉक में, ठीक। तो आइए देखते हैं, फिर देखिए, द पैरेंट बर्ड कीप्स द एग विथ वार्म बाय द सिटिंग ऑन इट, और जो पैरेंट बर्ड्स होते हैं वो इसको गर्म रखते हैं, किसको, एग को, उस पर सिट करके, ठीक। और ये प्रोसेस कहलाता है इनक्यूबेशन, ठीक है, जब एग के ऊपर उनके पैरेंट्स बैठकर उसको वार्म करते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप इनक्यूबेशन कहते हैं, ठीक है, इनक्यूबेशन। द फुली ग्रोन चिक ब्रेक्स द एग एंड कम्स आउट इन अबाउट 21 डेज, और जो 21 दिनों के बाद क्या होता है कि जो है एग में से एम्ब्रियो डेवलप कर जाता है और एक फुली ग्रोन चिक बाहर आता है उस सेल को तोड़ के, ठीक है, एग को सेल एक के जो सेल को तोड़कर एक फुली डेवलप्ड चिक बाहर आता है, दिस इज कॉल्ड हैचिंग, और इस प्रोसेस को आप हैचिंग कहते हो, ठीक है। जब फुली ग्रोन चिक जो है एक को तोड़कर 21 दिनों में नहीं 21 डेज में एक से बाहर आता है तो इस प्रोसेस को आप हैचिंग कहते हो, ठीक है, क्या कहते हैं, हैचिंग, एच ए टी सी एच आई एंड जी, दैट इज कॉल्ड हैचिंग, ठीक। द यंग वंस डू नॉट हैव फीदर्स एंड देयर आईज आर क्लोज्ड, और यंग वंस के पास फीदर्स नहीं होते और उनकी आईज जो होती हैं वो क्लोज्ड होती हैं, ओके।
द पेरेंट बर्ड्स फीड एंड टीच देम हाउ टू फ्लाई, और जो पेरेंट्स बर्ड्स होती हैं वो उनको सिखाती हैं कि कैसे आपको खाना है, मींस उनको खाना खिलाती हैं एंड उनको सिखाती हैं कि कैसे उड़ना है, हाउ टू फ्लाई। ठीक है, तो पेरेंट्स बर्ड्स उनको क्या करती हैं, फीड कराती हैं मींस खिलाती हैं एंड टीच करती हैं उनको कि कैसे आपको उड़ना है। ठीक है, द पेरेंट बर्ड्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस टिल दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू लुक आफ्टर देमसेल्फ। और पेरेंट्स बर्ड जो होती हैं, जो पेरेंट्स बर्ड्स होती हैं वो उन बेबीज़ यानी यंग वंस को तब तक देखती हैं जब तक कि वो अपने आप से खुद को देखने के काबिल नहीं हो जाते, जब तक कि वो अपने आप से फीड नहीं कर पाते या फिर उड़ नहीं पाते तब तक वो उनको देखती हैं, और जब ये सब करने लगते हैं तो वो उनको फिर नहीं देखती। चलिए नेक्स्ट, फ्रॉक्स। अब फ्रॉक्स की लाइफ साइकिल हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो फ्रॉक्स की लाइफ साइकिल में आप देखोगे, द फ्रॉग लेज अ क्लस्टर ऑफ एग्स इन ए सेफ प्लेस इन द वाटर। ठीक है, वाटर में एक सेफ प्लेस पर ही जो फ्रॉक्स एग्स को ले करते हैं, और इनके लेग्स क्या होते हैं, क्लस्टर्स में होते हैं मीन्स गुच्छों में, मीन्स इस तरह से क्लस्टर्स में एग्स होते हैं इनके, और ये एक सेफ प्लेस पर एग्स को ले करेंगे। ठीक है, और इस क्लस्टर को द क्लस्टर ऑफ एग्स इज कॉल्ड स्पून, और इस क्लस्टर को आप स्पॉन कहते हैं। ठीक है, स्पॉन। ठीक, द बेबी फ्रॉक्स कॉल्ड टेडपोल्स कम आउट ऑफ द एग्स इन अबाउट 3 वीक्स। और जो बेबी फ्रॉक्स जिसको हम टेडपोल्स कहते हैं, एग्स से 3 वीक्स में कम आउट होता है मीन्स बाहर आता है, तो ये टेडपोल्स जो है 3 वीक्स में एग्स से बाहर आता है, इसको हम बेबी फ्रॉक कहते हैं। दे लुक लाइक टाइनी फिश एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स, और ये कैसा दिखता है, दैट इज़ टाइनी फिश की तरह, और ये जो ब्रीथ करता है वो गिल्स के थ्रू करता है। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे ये अर्ली टेडपोल्स है एंड ये ग्रोइंग टेडपोल्स है। ठीक है, अब ये फिश की तरह है, टाइनी फिश की तरह दिखते हैं और ब्रीथ करते हैं गिल्स के थ्रू। ओके, अभी देखिए टेडपोल्स में हिंड लिम्स आ गए मीन्स पीछे के पांव आ गए, एंड अब ये क्या करेगा, अपने जब इनके फीट डेवलप कर जाते हैं तो ये अपनी जो टेल होती है उसको सेट ऑफ कर देते हैं मीन्स गिरा देते हैं। ठीक, द टेडपोल्स ग्रेजुअली लूज देयर टेल्स एंड डेवलप लेग्स, और धीरे धीरे क्या होता है, ये टेडपोल्स अपनी टेल्स को गिरा देते हैं, लूज कर देते हैं। आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम दे बिकम एडल्ट फ्रॉग, और कुछ समय के बाद ये क्या हो जाते हैं, ये टेडपोल्स जो यंग वंस थे ये क्या हो जाते हैं, एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए टेडपोल इनटू एन एडल्ट फ्रॉग इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो टेडपोल से एक एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या कहेंगे, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, हम लोग इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जब जो है टेडपोल से एक फ्रॉग एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक, द पेरेंट फ्रॉग आल्सो टेक केयर ऑफ देयर बेबीज बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए क्या होता है, ये पेरेंट फ्रॉग अपने बेबीज़ का टेक केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, बट उसके बाद ये उनको छोड़ देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है फिशेज। ए फिश लेज थाउजेंड्स ऑफ एग्स एट वन टाइम इन वाटर। देखिए एक फिश जो है थाउजेंड्स ऑफ लेग्स को ले करती है वन टाइम इन वाटर, एक बार में, कहाँ पे, वाटर में। ठीक है, एक बार में ये हज़ारों अंडे देती है। ठीक है, एंड द एग्स ऑफ फिश डू नॉट हैव
सेल्स, और एक्स के जो के पास सेल्स नहीं होते, ठीक है, जो ये फिश के एग्स होते हैं इनके पास सेल्स नहीं होते जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, ठीक है। जैसे कि आपने बर्ड्स के एग्स में देखा था वहाँ पे सेल थी, बट यहाँ पे सेल नहीं होती। ओनली अ फ्यू ऑफ देम डेवलप इनटू बेबी फिशेस एंड ओनली फ्यू ऑफ द बेबी फिशेस सर्वाइव। इनमें से कुछ ही जो एग्स होते हैं वो बेबी फिश में डेवलप हो पाते हैं, और इन बेबी फिशेस में भी कुछ ही जो होती हैं, यानी थोड़ी सी ही बेबी फिशेस जो है सर्वाइव कर पाती हैं। मोस्ट ऑफ द एग्स एंड बेबी फिशेस आर ईटन अप बाय द बिग फिशेस, और अधिकतर जो एग्स और बेबी फिशेस होती हैं उनको बिग फिशेस के द्वारा खा लिया जाता है, मतलब वो उनको ईट कर जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स लाइक लिजर्ड, ये रेंगने वाले होते हैं रेप्टाइल्स ना, तो रेप्टाइल्स में आते हैं लिजर्ड्स, टर्टल्स, स्नेक्स, ठीक। ले देयर एग्स ऑन द ग्राउंड और होल्स इन द ग्राउंड, तो आप देखो कि जो रेप्टाइल्स होते हैं वो अपने एग्स ग्राउंड पे देंगे, मींस ज़मीन पे देंगे या ज़मीन में बने किसी होल या गड्ढे में देते हैं, ठीक। दे डू नॉट सिट ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म, ये देखेंगे आप इसमें कि ये बर्ड्स की तरह अपने अंडों पे नहीं बैठते उनको गर्म करने के लिए। दे द एग्स आर वार्म्ड बाय द हीट ऑफ द सन, और जो अंडे गर्म होते हैं वो सन की हीट के द्वारा गर्म होते हैं, ठीक है। दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय देयर पेरेंट्स, और ये जो है अपने पेरेंट्स के द्वारा प्रोटेक्ट भी नहीं किए जाते, मीन्स इनको सुरक्षा नहीं दी जाती उनके पेरेंट्स के द्वारा, ये उनको ऐसे ही छोड़ के चल देती हैं, ठीक। मैनी ऑफ द एग्स आर ईटन अप बाय द अदर एनिमल्स, और इनके जो एग्स हैं उसको अदर एनिमल्स खा जाते हैं, ठीक है। आइए एक्सरसाइज करें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिखिए। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, इट इज़ राइट, ठीक। द येलो सबस्टांस प्रेजेंट इनसाइड द बर्ड एग इज कॉल्ड, हमने उसको क्या बोला था, योक बोला था, ओके। एंड द एग्स ऑफ रेप्टाइल्स आर वार्म्ड अप बाय द सन नॉट पेरेंट, ठीक, पेरेंट के द्वारा नहीं होते ये सन के थ्रू होते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंसेक्ट्स, ओके, इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल के बारे में जानते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स क्या करते हैं, ऑल इंसेक्ट्स लेज एग्स, ठीक। ये आज जो सभी इंसेक्ट्स होते हैं वो एग्स को ले करते हैं, ठीक है। सम इंसेक्ट्स हैव थ्री स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल वाइल सम अदर्स हैव फोर, कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी लाइफ में थ्री स्टेजेस होती हैं, ठीक है, थ्री स्टेजेस होती हैं, और कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी लाइफ में फोर स्टेजेस होती हैं, ठीक है। मोस्ट अडल्ट इंसेक्ट्स डू नॉट लुक आफ्टर देयर बेबीज, और अधिकतर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने बेबीज की देखभाल नहीं करते, ठीक है। इंसेक्ट्स लाइक ग्रास ओपर्स कॉकरोचेज हैव थ्री स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल, और आप देखोगे ग्रास ओपर एंड कॉकरोचेज में थ्री स्टेजेस होते हैं उनकी लाइफ साइकिल में। द बेबी कॉकरोच दैट कम्स आउट ऑफ द एग इज कॉल्ड निम्फ, और आप देखोगे जो कॉकरोच होता है तो जब वो एग से बाहर आता है तो उसके बेबी को हम कहते हैं निम्फ, ठीक है। बेबी कॉकरोच जब एग से बाहर आता है उसको हमको निम्फ बोलते हैं, क्या कहते हैं, निम्फ, NYPH, निम्फ, ओके, हम उसको निम्फ कहते हैं। विंग्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट डेवलप्ड इन निम्फ, निम्फ में क्या क्या नहीं होता है, विंग्स नहीं होते एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप्ड नहीं होते। इट शेड्स इट्स स्किन सेवरल टाइम्स एंड चेंजेस इनटू एन एडल्ट, और ये अपने लाइफ में
सेवरल टाइम अपनी स्किन को क्या करते हैं, ये निम्स सेट कर देते हैं, मीन्स गिरा देते हैं, और फिर ये एक एडल्ट काकरोच में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये जो निम्फ हैं सेवरल टाइम्स अपनी स्किन को सेड ऑफ करते हैं, मतलब गिरा देते हैं, और इसके बाद ये एडल्ट काकरोच में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेडिंग ऑफ अदर ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग, और जो है पुरानी स्किन को गिराना कहलाता है मोल्टिंग। ये प्रोसेस क्या होता है, मोल्टिंग। ठीक है, मोल्टिंग क्या है, मोल्टिंग क्या है, प्रोसेस है स्किन को गिराने का। ओके, सम अदर इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई हैव फोर स्टेजेस। देखिए कुछ इंसेक्ट्स हैं जो बटरफ्लाई हैं, हाउस फ्लाई हैं, उनकी जो लाइफ में फोर स्टेजेस होते हैं। ठीक, द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई आल्सो शोज मेटामॉर्फोसिस, और जो बटरफ्लाई होती है वो मेटामॉर्फोसिस को शो करती है। ठीक है, अपनी लाइफ साइकिल में ये मेटामॉर्फोसिस को शो करती है। द फीमेल बटरफ्लाई ले एग्स इन क्लस्टर्स ऑन द अपर पार्ट ऑफ द लीफ, मीन्स जो बटरफ्लाई होती है वो क्या करती है, लीफ के अपर सरफेस पे, ये अपर सरफेस है, अपर सरफेस के ऊपर क्लस्टर्स में, जैसे आप देख रहे थे फ्रॉग में वो क्लस्टर्स में एक को लेकर रहा, तो ये भी क्लस्टर्स में एक को ले करती हैं। ठीक है, लार्वा दैट लुक्स लाइक ए वर्म हैचेज आउट फ्रॉम ईच एग। ठीक, जो लार्वा है वो एक वर्म की तरह दिखता है और एग से बाहर निकलता है, तो वो किस तरह दिखता है, वर्म की तरह। ठीक है, तो उस वर्म को आप लार्वा कहते हैं। ठीक है, जब बटरफ्लाई एग्स को ले करती है, आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि उसमें से एक वर्म लाइक निकलता है, उसको हम लार्वा कहते हैं। ठीक है, और इस लार्वा को हम क्या कहेंगे, कैटरपिलर। ठीक है, इस लार्वा को हम नेम देते हैं कैटरपिलर। वाइल द लार्वा ऑफ ए हाउस फ्लाई इज कॉल्ड मैगट, और जो हाउस फ्लाई होती है उसकी लार्वा को हम क्या कहते हैं, मैगट कहते हैं। ठीक है, कैटरपिलर्स ईट लीव्स एंड ग्रो रैपिडली, मीन्स कैटरपिलर क्या करते हैं, पत्तियों को खाते हैं एंड बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, आफ्टर सम टाइम द कैटरपिलर स्टॉप्स ईटिंग एंड फॉर्म्स अ कवरिंग कॉल्ड कोकून, कोकून अराउंड इट्स बॉडी। और कुछ समय के बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम कैटरपिलर क्या होते हैं, पत्तियों को खाना छोड़ देते हैं एंड फिर क्या करते हैं, अपने बॉडी के चारों तरफ क्या करते हैं, कवरिंग का फॉर्मेशन कर देते हैं, उसको कोकून कहते हैं। ठीक है, अराउंड इट्स बॉडी एट दिस स्टेज इट इज़ कॉल्ड प्यूपा, और जब ये कोकून का फॉर्मेशन कर लेते हैं अपने बॉडी के चारों तरफ, तो उस स्टेज को ये प्यूपा कहते हैं। ठीक है, उस जो वो स्टेज कहलाती है वो प्यूपा कहलाती है, क्योंकि जब ये अपने बॉडी के चारों तरफ कोकून का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है, तो ये हार्ड हो जाता है। ठीक है, जब ये हार्ड हो जाएगा, जब ये कोकून एक क्या होता है, प्रोटीन सब्सटेंस होता है, और ये चारों तरफ जब इसके बंद जाता है तो ये क्या होता है, हार्ड सेल हो जाता है, और फिर इसके अंदर ये काफ़ी समय तक रहता है। ठीक है, दिस इज़ द रेस्टिंग स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, और ये बटरफ्लाई की रेस्टिंग टाइम होती है। इनसाइड द कोकून द कैटरपिलर चेंजेस इनटू द बटरफ्लाई, और इसी कोकून के अंदर क्या होता है कि जो कैटरपिलर होता है वो चेंज हो जाता है ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में, और एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई के फॉर्म में ये चेंज हो जाता है कैटरपिलर। एंड देन द कोकून बर्स्ट व्हेन बटरफ्लाई इज़ रेडी टू कम आउट, और कोकून जो है ब्रस्ट हो जाता है जब बटरफ्लाई बाहर आने के लिए रेडी हो जाती है। ओके,
चलिए।